सुल्तान जहाँ स्कॉलरशिप के इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं, आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट एक्सटेंड हो गई है, तो अब आप 9th of October तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो तुम में से जिसने नहीं किया है भाई, जाके कर दो, अभी भी टाइम है, ठीक है। और करना कहाँ है वो सब मैं बता चुका हूँ। तो जो जो सवाल वो लोग पूछे, जेन्युइन जवाब देना उनका, ठीक है। और असल में ना क्या होता है कि बैकग्राउंड चेक करते हैं वो तुम्हारा, कि मतलब कैसा है सब। जैसे कि मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरे से सबसे पहला सवाल पूछा उन्होंने, उनके पास लिस्ट होती है वो, जिसमें नाम रहता है स्टूडेंट्स का, फॉर्म वॉर्म रहता है उनके पास। तो सवाल पूछा कि मेरा कि कहाँ से हो, मतलब ओरिजिन कहाँ से है। तो ये पहला सबसे पहला सवाल था। बाकी ये कि फादर क्या करते हैं, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, कितने मतलब डिपेंडेंट हैं, सिबलिंग्स कितने हैं, घर में कमाने वाले कितने लोग हैं। तो असल में इस तरीके से बैकग्राउंड चेक करते हैं तुम्हारा। फिर वो पूछेंगे आपसे कि मंथली आपका मतलब कितना वो आता है, पॉकेट मनी कितना आता है। तो वो बताना पॉकेट मनी कितना आता है, बाकी आपका खर्चा जैसे कि डाइनिंग की फ़ीस होती है वो, और बाकी ज़रूरतें जो होती हैं उसके बारे में, रूम अगर बाहर रह रहे हो तो रूम रेंट कितना लगता है, वो सब। तो ये सारी डिटेल्स बताना उनको। ये नहीं कि बस बता दिया कि हाँ इतने रुपए आते हैं, अब उनको लगेगा कि हाँ भाई इतने रुपए आते हैं तो फिर क्या है, लेकिन बताना कि ज़रूरत का है। और मतलब मेन चीज़ वो जो देखते हैं ना, वो ये है कि आपको मतलब पैसे क्यों चाहिए, स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया आपको, मतलब नीड है कि नहीं है, ये चीज़ आपको चेक करते हैं वो लोग। तो वो उनको एहसास दिलाना कि हाँ भाई हमें ज़रूरत है, हमें पैसों की यार। और सवालों के साथ साथ हुलिया वो तुम्हारा पूरा स्कैन करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। तो क्या पहन के जाना है वो भी तुम डिसाइड कर लेना, ठीक है। ये नहीं कि शादी वाले कपड़े पहन के पहुँच गए वहाँ पर, तो फिर तो भूल जाओ, फिर कोई मिलने वाला है। उन्हें पता होता है कि लड़के यहाँ पर स्कॉलरशिप का इंटरव्यू देने आए हैं, तो वो झूठ बोलेंगे। आप उनसे कोई भी सवाल पूछ लो, वो लोग झूठ बोलेंगे। तो जहाँ उन्होंने मतलब भाप लिया कि हाँ भाई ये गड़बड़ है, कैंसिल, ठीक है, तुम्हारे नाम के आगे लिख देंगे वो जो भी, उसके बाद फिर गए। तो ये बहुत समझदारी से खेलना भाई इंटरव्यू में, ये कोई मतलब हल्के में मत लेके चले जाना वहाँ पर, क्या ठीक है हम तो बेवकूफ़ बना लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ठीक ठीक जवाब देना हो जो भी सवाल पूछें। बाकी दाल में अगर थोड़ा बहुत कुछ काला रह जाए तो उतना चलता है, लेकिन पूरी काली दाल नहीं चलेगी, ठीक है, समझदार हो इशारा का। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि स्कॉलरशिप के पैसे आपको क्यों चाहिए। तो अगर उनको लगेगा कि आपका जेन्युइन कॉज है, तो हो सकता है कि फिर मतलब वो दें। तो मतलब जज वो इसी बेसिस पे करते हैं, इसी क्राइटेरिया पे। सबसे मेन क्राइटेरिया यही है कि पैसे क्यों चाहिए आपको, नीड क्या है आपकी ऐसी कि मतलब हम उसको ना दे के आपको दें, ऐसा क्या चाहिए आपको, मतलब क्यों। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि तुम्हारा रीज़न वैलिड हो, ऐसा कुछ तुम्हारे पास हो कि हाँ भाई हमें है ज़रूरत, इस वजह से हमें चाहिए, ठीक है। तो वो सोच समझ के जाना वहाँ पर, तो उसमें जो जो होगा वो बताना यार। बाकी इनकम सर्टिफिकेट तुम्हारा लगा हुआ है वो सब। मेरा जो इंटरव्यू था पिछली बार, वो मेरा अच्छा नहीं गया था, मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहा था, बहुत नर्वस हो रहा था, तो फर्स्ट टाइम था भाई वो। तो इस वजह से अभी तो खैर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, तो इस वजह से मतलब पिछली बार मेरे को नहीं मिल पाया था, क्योंकि हेजिटेट हो रहा था मैं बहुत ज़्यादा उनके मतलब जब वो सवाल पूछ रहे थे वो, तो सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर। और वो लोग ये भी देखेंगे कि मतलब आपके मार्क्स वगैरह कैसे हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है आपका, तो उस बेसिस पे भी आपको जज किया जाएगा, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। बाकी 9 अक्टूबर को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो फॉर्म भरो। और जैसे कि एक महीना एक्सटेंड हुआ है, ये पहले सितंबर था, तो फिर ये हो गया ये अक्टूबर। तो अब इस तरीके से एक महीना सारी चीज़ें, सारे इवेंट इसके वो हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। जैसे कि पहले नवंबर दिसंबर में अवार्ड लिस्ट आ जाती, तो अब मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में आएगा, और फिर स्कॉलरशिप ये मार्च अप्रैल तक आएगा, अप्रैल मई तक भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन यही है कि समर वेकेशन से पहले मेरे ख्याल है कि आ जाएगा ये, ठीक है। तो बस जो बताना था मैंने बता दिया, बस यही था इस वीडियो में। बाकी एक नया स्कॉलरशिप आया है, उसके बारे में जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत टेंशन ले लेना है इस चीज़ के लिए कि भाई इंटरव्यू देना है, कैसे सामना करेंगे ये वो, और ज़्यादा वो भी नहीं, लाइटली भी नहीं लेना, बस चिल होके जाना एकदम आराम से, और मतलब चिल मूड में रहना अपने, बाकी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, खुदा हाफिज़। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जब ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे आपका, तो आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा, यानी कि बॉन्ड बनवाया जाएगा आपसे कि जब आप मतलब कमाने लग जाओगे तो ये स्कॉलरशिप का जो पैसा है ये आपको वापस करना पड़ेगा, तो उसका बॉन्ड बनेगा। तो ये एक तरीके का लोन ही है, तो जो पैसे मतलब आपको मिलेंगे वो आपको वापस करना पड़ेगा। आपकी मतलब पहली सैलरी तो वो आपकी होगी, लेकिन जो दूसरी सैलरी होगी उसका पैसा फिर जो आएगा वो आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जो भी फॉर्म आपने भरा है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए, उसमें अपने अपने बैंक अकाउंट नहीं लगाया है, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह ये सब नहीं भरा है,
तो ये सब बाद का प्रोसीजर है, ये आपको मतलब उसी के बाद मतलब ये सारा काम होगा। जब बॉन्ड बनेगा तब आपको अपना वो बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होगी जिसमें पैसे आएंगे आपके, ठीक है? तो ये चीज़ बतानी थी मेरे को।